रियासती हुकूमत ने मजीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी है जो रियासत के 8 अजला में कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक 8 नए मेडिकल कॉलेजेस यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी, गदवाल, नारायणपेट, मेदक, मुलुक और वरंगल में कायम किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए उसके साथ एक टीचिंग हॉस्पिटल के क्याम का ख्वाब देखा था, वो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हर जिले में एक सरकारी सतह पर मेडिकल कॉलेज कायम किया गया है जिसके जरिए तेलंगाना ने मुल्क भर में एक रिकॉर्ड कायम किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना को 33 अजला में तकसीम किया था और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। इस तरह 9 साल के अंदर रियासती हुकूमत ने 29 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। इन मेडिकल कॉलेजेस के क्याम के बाद रियासत में MBBS की सीटों की तादाद 10,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के जरिए रियासती हुकूमत कबायली इलाकों और दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीब आवाम को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के जरिए इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि हर जिले के नौजवानों को उसी जिले में मेडिकल की तालीम हासिल करने की सहूलत फराहम की गई जिस पर वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क्यादत में तेलंगाना में तालीम और तिब के मैदान में बड़ा इनकलाब आया है।